नमस्कार, बाजारों के हाल में भी आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मार्केट्स जो कि डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स भी बढ़िया रफ्तार के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी करीब करीब 264-265 अंक ऊपर कामकाज करते हुए 1.25% का उछाल यहां पर है, 24,400 के ऊपर फॉर्मली, और सेंसेक्स भी 80,000 के पार कुछ देर पहले निकला था और वहीं पर अभी भी तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, गौरांग सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रुख कर लेते हैं हेडलाइंस का। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोरदार तेजी, निफ्टी 260 अंक चढ़कर 24,400 के पार, बैंक निफ्टी में भी रौनक, 600 अंक दौड़ा, मिड कैप स्मॉल कैप कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी, करीब 2.25% चढ़ा इंडेक्स। अमेरिका में मंदी का डर कम होने से रौनक 5.5% से ज्यादा चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना एम्फेसिस, एलएनटी टेक, साथ ही बिरला सॉफ्ट, विप्रो में भी 3% की बढ़त, रियल्टी शेयर में भी अच्छी खरीदारी। नई थार रॉक्स 5-डोर एसयूवी के लॉन्च के बाद एम&एम ने पकड़ी सरपट रफ्तार, शेयर करीब 2.5% का उछाल। बाजार को पसंद आए ग्लेनमार्क के नतीजे, गैप डाउन के बाद शेयर निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, 4% ऊपर आया। वही रिजल्ट और नए लॉन्च के बाद ओला में भी जो शेयर 20% ऊपर। अभी नहीं होगा पवन हंस का विनिवेश, सूत्रों के मुताबिक विनिवेश की बजाय कंपनी की माली हालत सुधारने पर फोकस, करीब 20 नए हेलीकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव, विमानन मंत्री ने जरूरतों के लिए राशि बताने को कहा, सीएनबीसी आवास एक्सक्लूसिव। 15 अक्टूबर को शुरू हो सकती है बीएसएनएल की 4G सेवाएं, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और मुंबई से हो सकती है शुरुआत, कंपनी ने लॉन्च की तैयारी पूरी की, सीएनबीसी आवास की एक और एक्सक्लूसिव। तो भारतीय बाजारों में रफ्तार है और रफ्तार दिन के ऊपरी स्तरों पर ले आई है निफ्टी को भी, सेंसेक्स को भी, निफ्टी बैंक को भी, आईटी को भी और ब्रॉडर मार्केट्स को भी, जो कि सभी इंडिसीज आप भी एज ऑफ नाउ डे हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं। हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पे और बाकी स्टॉक्स पर भी। गौरांग सर, लंबे अंतराल के बाद आपसे आज ऑन स्क्रीन मुलाकात हो रही है, ऑफ स्क्रीन तो आप समय देते ही नहीं हो, तो बात ही अलग है। खैर, मार्केट्स की बात क्या करी जाए, क्या लग रहा है बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है? उसे शब्दावली आपने छीन ली, हम भी यही कहने वाले थे कि बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है बाजार के समय पर इस शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। देखिए, बाजार को लेकर के हमने इस हफ्ते भी, जब हम मंगलवार को जुड़े थे हमारी चैनल सीएनबीसी आवाज पर, और पिछले हफ्ते तो एक दायरा बताया था कि 24,100 और 24,000 नीचे के तरफ, और अगर हम 24,400 और 50 और 24,500 के पार चले जाते हैं और वहां पर जाकर के बंद देते हैं सुमित, ये ज्यादा मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा देखने के लिए, तो शायद ऊपर की तरफ के जो पड़ाव है वो खुल जाते हैं। और आज शुरुआत अच्छी हुई, फिर बढ़त गवा दी और फिर से हमने प्रयास किया है एक नया सर्वोच्च स्तर अंतर्दिवसीय बनाने का। तो अगर इसी तरीके से हम 24,450 या 24,500 के पास जाकर के बंद देते हैं आज 3:30 बजे तक, तो शायद अगले हफ्ते काफी कुछ ऊपर की तरफ पड़ाव जो है वो बढ़ जाएगा और उम्मीद कर सकते हैं 24,800 और फिर से 25,000 के तरफ जाने के लिए। एक ही दिक्कत है, आज शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन, तो शायद आखिर के एक घंटे में किस प्रकार की गतिविधि होती है ये देखना अनिवार्य होगा। निफ्टी में तो आज बहुत हद तक आईटी का सपोर्ट है, मेटल का सपोर्ट है, बैंक्स का भी सपोर्ट है, इंडिविजुअली बैंक निफ्टी, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? ये कमजोर कड़ी थी पिछले हफ्ते भी, अगर आप देखें सुमित तो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से एक कमजोर कड़ी थी जिसके कारण बाजार, पूरा बाजार थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आकर के झुक रहा था, और इसके कारण ऑफकोर्स एफएनओ में जो पोजीशन थी वो भी हो सकता है, कुछ आंकड़ों को लेकर के पहली तिमाही के कमजोर आंकड़े आए वो भी हो सकता है, और कुछ बिकवाली की चपेट में बाजार आ रहा था वो भी हो सकता है। लेकिन आज जिस प्रकार से दिग्गज HDFC बैंक ने मेरे ख्याल से सुबह से कमान संभाली रखी है और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से ICICI बैंक और सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी थोड़ा बहुत योगदान दे रहे हैं, तो और ये जो स्तर है बैंक निफ्टी का सुमित, अगर हम यहाँ पर भी आज बाजार बंद होते होते अगर टिक जाते हैं
तो अगले हफ्ते मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी के तरफ से सहारा, आईटी इंडेक्स कल तो छुट्टी थी 15 अगस्त की, लेकिन बुधवार को 500 अंकों के ज्यादा की बढ़त थी आईटी इंडेक्स में। आज आप देखें तो मेरे ख्याल से 900 पॉइंट के ऊपर की बढ़त हम देख रहे हैं आईटी इंडेक्स में। तो ये कुल मिला, और ये वेटेज है इंडेक्स में, वेटेज है इन दोनों का, तो अगर ये सहारा देते हैं तो शायद हमें ऊपर के तरफ का साथ और मिल सकता है। तो गौरांग सर, ट्रिगर्स थोड़ा सा मिसिंग नहीं है मार्केट में, क्योंकि अर्निंग का एक बड़ा ट्रिगर था जो कल खत्म हो गया, 14 तारीख को लास्ट अर्निंग्स थे, पूरे हो गए, आरबीआई का एमपीसी भी आउट आ गया, इलेक्शंस भी हो गए, बजट भी हो गया, यूएस का इलेक्शन एक नया ट्रिगर बचा है, बस बाकी तो सब हो ही चुका है घरेलू फ्रंट पर। मॉनसून के नंबर भी हमें मोरलेस पता है कि अनुमान से बेहतर ही आ रहे हैं, अब फेस्टिव आएगा आगे चल के। सो क्या आप रीड कर रहे हो मार्केट के लिए नियर टर्म, क्योंकि बहुत दिन से लैकलस्टर इसीलिए है कि कोई ट्रिगर ही नहीं मिल रहा, जहां जैसा खबर आ रहा है वैसे वैसे चल रहा है बाजार। सो आप क्या ट्रिगर अब देख रहे हो मार्केट में? मेरे ख्याल से, मेरी अगर आप राय पूछे निजी तौर पर, तो मैं ये चाहूंगा कि बाजार थोड़ा बहुत दायरे में रहे, एक मजबूत बुनियाद बनाने का प्रयास करे। और सुमित, इतिहास और वास्तविकता हमारे समक्ष है, जब कभी भी हमारे बाजार ने एक नया सर्वोच्च स्तर बनाया है उसके पश्चात मुनाफे वसूली की चपेट में आता है बाजार और थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार करता है। 25,000 के पार गए, 24,000 के नीचे फिसले, फिर 24,000, 24,100 के आसपास पिछले कुछ दिनों में हमने प्रयास किया कि वहां पर गए लेकिन ऊपर की तरफ उभरे। तो मैं ये चाहूंगा, अगर आप मेरी राय पूछे, अगर हमें सक्षम रूप से ऊपर जाना है और वहां पर टिकना है तो उसके लिए जरूरी होगा कि एक मजबूत बुनियाद बने, और उसके लिए ये जरूरी है कि दायरा बंद कारोबार हो। तो ये मैं आज भी यही कहता हूं कि 24,400 के पास पार हम चल रहे हैं, अनिवार्य होगा कि हम उसके 24,450, 24,500 के पास जाकर के बंद दें, लेकिन उसके ऊपर क्या टिक पाते हैं कि नहीं ये देखना जरूरी होगा। और नीचे की तरफ अगर वापस से मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आता है तो शायद 24,200, 24,100 के आसपास स्तर। तो ये बड़ा एक दायरा है सुमित, क्योंकि बाजार में हमने बजट के बाद बहुत तीव्र गति से ऊपर के तरफ के दायरे देखे, अनिवार्य है कि हम थोड़ा बहुत बुनियाद बनाने का प्रयास करें। तो गौरांग सर, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ कहाँ पर अभी नजर रखें, क्योंकि मिड कैप बहुत महंगा, लार्ज कैप में कुछ कुछ सस्ते हैं, लेकिन बाजार अभी उसको देखने के मूड में नहीं है, अभी उसे महंगी चीज ही पकड़ने के मूड में। सो आप क्या रीड कर रहे हो यहाँ पे? देखिए, आप जब भी बाजार में कुछ चीज लेने जाते हैं अपने लिए, अपने परिवारजन के लिए, तो आप यही प्रयास करेंगे कि अच्छी चीज खरीदें, और अच्छी चीज आपको महंगे दाम पर मिलेगी, कमजोर सस्ती चीज जो कि कम दामों में मिलेगी। तो अच्छी चीजों के लिए आपको मेरे ख्याल से हमेशा वो दाम चुकाना पड़ेगा। तो क्षेत्र के आधार पर हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र, जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक मजबूत, एनबीएफसी, ऑटोज, सीमेंट, सुमित एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिस प्रकार से सीमेंट के बोरियों के आवागमन का आंकड़ा आया है महीने दर महीने, और जिस प्रकार से खबरें सुनने में आ रही है कि शायद सीमेंट के बोरियों के दाम ऊपर जाएंगे, ये एक अच्छा लगता है। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, ये एक क्षेत्र होगा जहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सहायता देता है देश की उन्नति और विकास के लिए। और एफएमसीजी, हमारा देश खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से खपत आने वाले समय में बढ़ेगी, प्रयास वित्त मंत्री ने जिस प्रकार से बजट में किया है, तो ये कुछ क्षेत्र होंगे जहां पर दिग्गजों से शुरुआत करके कुछ बहुत ही चुनिंदा मझौली कंपनियों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और गौरांग सर, जो ये लार्ज कैप का यू नो तेजी का सिलसिला है, जैसे बैंक्स में एचडीएफसी बैंक स्टक है, आईटी में टीसीएस अपने ऑल टाइम हाई को काट रहा है, एमएनएम अपने ऑल टाइम हाई को काट रहा है, सो इस तरह के स्टॉक्स में क्या करें, जो एक तरफ लार्ज कैप वैल्यू है लेकिन नहीं चल रहे, दूसरी तरफ थोड़े अच्छे हैं, महंगे हुए जा रहे चले जा रहे हैं, सो यहाँ क्या करा जाए, इनको कैसे चूज करें? आप बाजार हमेशा आपके आपके आपकी समीक्षा लेता है, और आपको मेरे ख्याल से धैर्य रखना चाहिए। बाजार में अगर आप धैर्य रखते हैं तो ही आप जीतते हैं, अगर आप धैर्य खो बैठे तो आप जल्दबाजी में ऐसे कदम उठाएंगे जिस पर आपको आगे जाकर के भविष्य में पछतावा होगा। और बाजार, हर बाजार ऐसा होता है सुमित। तो एचडीएफसी बैंक नहीं चला है, 1450, 1500 के आसपास बहुत समय तक रहा, फिर चला 1600 के पार गया, 1800 के पार के हमारे लक्ष्यांक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार कर रहा है। सरकारी बैंक, अभी वित्तीय क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे, सरकारी बैंकों पर हम बात कर रहे थे, अच्छा लगता है 950 के आसपास के लक्ष्यांक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लगते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं सुमित, ये भी हमें अच्छी लगती है, इंक्लूडिंग कुछ चुनिंदा स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स, क्योंकि ये भी दो ऐसे क्षेत्र है जो चले नहीं है।
तो अगर आपको पसंद करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि आपके पास समय सीमा की पहले तो पाबंदी नहीं है और आपके पास धैर्य होना चाहिए, तो ये कुछ क्षेत्र है जहां पर आपको टाटा मोटर्स बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से 1250-1300 के लक्षांक नजर आएंगे। जिस प्रकार से हम M&M थार रॉक्स की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से कर्व ईवी इन्होंने लॉन्च करी है, और मेरा मानना है कि आने वाले समय में अगर JLR का उत्पादन जो है गुजरात में सनान प्लांट में हो जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। तो कुछ कंपनियां है, कुछ क्षेत्र है जहां पर आपको बिल्कुल अनिवार्य होगा अपना ध्यान देने लिए। टाटा मोटर्स तो मेरे ख्याल से शायद 150 रुपये से, गौरांग सर आप लगातार इसकी राय दे रहे हो ना, 10 टाइम तो वहां से ऑलरेडी हो चुका है मेरे ख्याल से, है ना गौरांग सर? जी हाँ, और ये जुबान घिस गई सुमित, लेकिन हाँ। आज भी कभी कभी कुछ हमारे ही चैनल पर या हमारे सहयोगी चैनल पर जब मैं कॉलर शो करता हूँ तो कुछ लोग हैं निवेशक जो कहते हैं कि नहीं गौरांग सर आपने 250-300 रुपये में बताया था, और आज भी हम निवेशित है और अच्छा लगता है जब कोई ऐसे सराहना करता है। हाँ सच में गौरांग सर, सुनते हुए अगर बोलते हुए आपकी घिस गई तो सुनते हुए मेरे कान भी घिस गए, लगातार टाटा मोटर सुनते सुनते इतने साल हो गए। लेकिन हाँ मतलब जबरदस्त रिटर्न आपके बोलने के बाद से, अब तक 10 टाइम 8 टाइम ये ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करेंगे गौरांग सर से, एक ब्रेक का वक्त हो गया, जरा ब्रेक के बाद लौटते हैं, क्योंकि ऑटो के जो लॉन्चेज हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे ही, ओला एक हालिया जो नया लिस्टेड स्टॉक है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर CNBC आवाज़ आपके लिए एक खुशखबरी लाया है, 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले मार्केट गुरुकुल के लिए आप इंडिपेंडेंस डे ऑफर का भी हिस्सा बन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पर 30% डिस्काउंट, तो आप 18 अगस्त तक इसका लाभ उठा सकते हैं, और तमाम डिटेल जो आपकी स्क्रीन पर है उसके जरिए लॉगिन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद लौटते हैं और ओला इलेक्ट्रिक पर बातचीत करते हैं। देख रहे बाजारों का हाल, और 300 अंकों की तेजी अब निफ्टी में आ चुकी है, करीब करीब 24,437-438 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है, सेंसेक्स भी 80,000 के ऊपर फर्मली ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गौरांग सर मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर ही रहे हैं। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक ने बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है, साथ ही कंपनी के नतीजे भी आए हैं। HSBC ने ओला इलेक्ट्रिक पर एक रिपोर्ट जारी की है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। कंचन माथुर मौजूद भी हैं। कंचन, स्टार परफॉर्मर आज का ओला इलेक्ट्रिक, क्या डिटेल? स्टार परफॉर्मर है, 140 का लक्ष्य दिया है, बाय की रेटिंग दी है। हालांकि ईवी पेनिट्रेशन को लेके इंडिया में उन्होंने, उनका जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, साथ में बाकी की अनसर्टेनिटी भी चल रही है। बट इन सब चीज़ों के बावजूद उनका मानना है कि इस कंपनी के अंदर निवेश करना सही है। उसके पीछे के जो मेजर फैक्टर है वो है रेगुलेटरी सपोर्ट लगातार आता हुआ, साथ में जो कंपनी की कैपेबिलिटी है अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने की, साथ ही साथ बैटरी वेंचर में जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें वो पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई दे। बट एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो टू व्हीलर का सेक्टर है वहां पे जो पेस है वो थोड़ी सी स्लो है, साथ ही साथ बैटरी के सेक्टर में जो प्रॉब्लम चल रही है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का प्रॉब्लम बनी हुई है, जिसको लेके वो थोड़ा सा कंसर्न जता रहे हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक करीब करीब 132 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है और 140 रुपये के टारगेट है, 8 रुपये का और अपसाइड देख रहे हैं, आज जबरदस्त इजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन ये तमाम डिटेल के लिए। गौरांग सर, ये सेक्टर एकदम से बजिंग हुआ है, ओला इलेक्ट्रिक लिस्टिंग 80 रुपये पर, ग्रे मार्केट प्रीमियम 3% का डिक्लाइन था उस समय, लेकिन सडनली स्टॉक को ऐसा हीट मिला कि आज नए ऑल टाइम हाई पे खड़ा है स्टॉक, 130 रुपये, 60,000 करोड़ रुपये के आसपास की मार्केट कैप कंपनी को मिल रही है, डिस्पाइट पिछले 4-5 साल से लगातार लॉस मेकिंग है। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प खड़ा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, 1,00,000 करोड़ की मार्केट कैप उसको मिल रहा है, जबकि वो इतने सालों से अपनी हिस्ट्री भी दे रहा है, कैश फ्लो जनरेशन भी स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है और लगातार करीब करीब 5,000 करोड़ रुपये के आसपास से कैश फ्लो जनरेट करता है साल में। सो कुछ ऐसा है जो मैं गलत पढ़ रहा हूँ या कुछ ऐसा है जो बाजार सही पढ़ रहा है? और कुछ ऐसा भी होता है कि बाजार की बुद्धिमत्ता को कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए सुमित। हाँ, obviously, obviously. तो ये एक 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 ट्रेंड है, एक एक तरीके से पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना, 76 का ऊपर का जो प्राइस बैंड था सुमित IPO के समय पर ओला इलेक्ट्रिक का, तो हमारी चैनल CNBC आवाज और सहयोगी चैनल पर हमने IPO नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए IPO में निवेश की राय दी थी। हालांकि हमें भी अनुमान नहीं था कि इस प्रकार का मेरे ख्याल से रुझान आएगा लिस्टिंग के पश्चात, और खास करके लिस्टिंग वाले दिन जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे, और बाद में ये परिस्थिति, कल जो लॉन्च की है बाइक, मेरे ख्याल से एक यू नो फ्यूचर जनरेस जन फ्यूचरिस्टिक बाइक है और एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर के आ रहे हैं ये,
जिस प्रकार से इनकी जो सेल को लेकर के टू व्हीलर सेल की जो फैसिलिटी है, जिगा फैक्ट्री की जो बात करें उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से रुझान बेहतर हो सकता है। लेकिन सुमित, प्रश्न चिन्ह खास करके हम जैसे विशेषज्ञों के लिए जो बुनियादी तर्क के आधार पर आकलन करते हैं, चिंताजनक बात है जो 1500 करोड़ के आसपास का जो घाटा है बैलेंस शीट पर वो। और ये जो घाटा है मेरे ख्याल से सुमित, कितना भी अच्छा काम कर ले, मेरे ख्याल से समय लगेगा इस घाटा को परिवर्तन करने के लिए और फिर मुनाफा में आने के लिए। अगर आपने आईपीओ में पैसे लगाए हैं और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप निवेशित रहे। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा, ये तीसरी मेरे ख्याल से 20% की ऊपर सर्किट है। पहले 2 सर्किट देख ली थी हमने, आज 20% के ऊपर कामकाज कर रहा है। मूल्यांकन को लेकर के शायद थोड़ा बहुत महंगा हो गया। तो गौरांग सर, लेकिन ये पूरा सेक्टर ही ना एकदम से फेस्टिव से पहले तैयारी कर रहा है। आप देखो, टाटा मोटर्स ने एक लॉन्च करी ईवी की कार, महिंद्रा ने कल लॉन्च करी अपनी रॉक्स, और बहुत स्ट्रॉन्ग उसका ट्रैक्शन भी है। 2.5% ऊपर महिंद्रा आज कामकाज कर रहा है, और बहुत समय से अवेटेड भी थी ये 5 डोर थार जो है। प्लस ओला की तरफ से लॉन्च हुआ कल, एक BSA ने भी अपनी एक बाइक लॉन्च करी है। तो सबकी तरफ से ये एक बढ़िया तैयारी दिख रही है फेस्टिव सीजन को लेकर। वैसे ही मानसून के नंबर अच्छे होकर गए हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम अदरवाइज भी रूरल स्पेस से काफ़ी अच्छी आनी है। सो ये सिचुएशन को देखते हुए कितना आउटलुक आप स्ट्रांग मान रहे हो पूरे ऑटो स्पेस का, या इवन टायर या एंसिलरी स्पेस का? देखिए, अगर आप ऑटो पे सकारात्मक रुझान लेकर चल रहे हैं सुमित भाई, तो आपको उतना ही सकारात्मक नजरिया बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और ओईएम सेगमेंट यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट पर, क्योंकि ये एक समीकरण है। आप किसी एक क्षेत्र पर खाली ध्यान नहीं देख सकते, क्योंकि वो पुर्जे जाते हैं वाहन में जिसको आप सुरक्षित वाहन बनाते हैं। भारत सरकार के तरफ से ये भी घोषणाएं हमने सुनी है कि वो आने वाले भविष्य में हमारे भारतवर्ष, देवभूमि भारत को सबसे बड़ा वाहन उत्पादन करने वाला देश बनाना चाहती है। और ह्यूंडाई के आईपीओ को लेकर के भी काफी कुछ खबरें हमने सुनी है। और अगर इस प्रकार से नए लॉन्चेस कर रही हैं वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियां, तो इनका अनुभव और अनुमान ये कहता है कि आने वाले भविष्य में मांग ऊपर ही जाने वाली है। और वास्तविकता ये भी है सुमित भाई कि कुछ मॉडल्स में आपको वेटिंग पीरियड है, भले आप कितना भी प्रीमियम देना चाहो लेकिन वो मॉडल अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इतनी अगर डिमांड सक्षम है और अगर खास करके ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों से मांग बढ़ रही है, तो जाहिर है आपको R&D के तहत जो एग्जिस्टिंग आपके वाहन के अवतार है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा और उसके साथ साथ नए लॉन्चेस भी करने पड़ेंगे, और मांग सक्षम रहने का अनुमान है। इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट चल रहे हैं गौरांग सर, मन नहीं कर रहा आपका कुछ भी लेने का? मतलब 5 डोर वाली थार ले लो, या एक बढ़िया सी बाइक ले लो, सूट तो करती ही दोनों ही आपके ऊपर, क्या करना चाहिए? बाइक बाइक के तरफ मेरा पलड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा झुका हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल जो इस तरह के बंबई शहर में रस्ते और जिस प्रकार से लोग दोपहिया वाहन चलाते रस्ते पर, तो हमें लग रहा है कि हमारी जोखिम है काफी, क्योंकि अनुशासन से नहीं चलाते हैं टू व्हीलर्स वाले। आपने भी देखा होगा, मेरा भी अनुभव यही रहा है। तो फिलहाल मैं सुरक्षित हूँ मेरी गाड़ी में। हाँ, आगे जा करके अगर ज्यादा फिर मन ललचा गया तो फिर एक 350 से ऊपर क्षमता वाली मोटरसाइकिल बिल्कुल खरीदने का मन चल रहा है, और वो शायद कुछ समय लगेगा। लेकिन हार्ले या रॉयल इनफील्ड, कहाँ जा रहे हो, किस साइड पर? इसका तो अभी तैयारी नहीं रखी, लेकिन अगर आपको वाकई में टू व्हीलर ड्राइव का लुफ्त उठाना है तो बॉम्बे गोवा से तो बढ़िया कोई हो नहीं सकता। चलिए, बढ़िया। राइड बताना कब निकल रहे हो, बनाते हैं साथ में उसका भी कुछ हिसाब किताब। चलो गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और खबरें, कुछ और ट्रिगर्स, कुछ और स्टॉक्स मिड कैप के, उन सब पर बातचीत करते हैं मिड कैप मंत्रा में।